गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आप सबका भूमि एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। इस सेकेंड लॉकडाउन के बाद आज हमारी आपसे पहली बार मुलाकात हो रही। अपकमिंग एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सेशन फिर से डिजाइन किया है, जिससे कि आपका एग्जाम जो आने वाला है, स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम जो शेड्यूल्ड है, वो किस तरीके से क्लियर हो सके, आपका प्रीलिम्स आप कैसे उसको इजी वे में क्वालिफाई कर सके, उसी बेसिस पर या उसी चीज के लिए आज हम आपके साथ एक इंट्रोडक्शन क्लास लेकर के आए हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और इस कोरोना के लॉकडाउन के बाद जो है अब धीरे धीरे अपने वर्क पर आप सब लोग लौट रहे होंगे। क्योंकि देखिए, पिछले एक डेढ़ साल से जो कुछ हम लोगों ने फेस किया, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर ने, उससे लाइफ में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी ऑब्वियसली बात है आती ही आती है। 2020 में भी हम लोगों ने देखा, इतना लंबा लॉकडाउन लगा, एक ब्रेकडाउन आ जाता है, एक रिदम टूट जाता है। और फिर जब धीरे धीरे चीजें सही हो रही थी, तब तक सेकेंड वेव का आना कोरोना का, और चीजों का फिर से शटडाउन हो जाना, फिर से लॉकडाउन हो जाना, और स्पेशली एजुकेशन सेक्टर, स्पेशली स्टूडेंट्स का जो मोराल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं ना कहीं गिर जाता है। बट एनी हाउ द शो मस्ट गो ऑन, कहा भी जाता है कि द शो मस्ट गो ऑन, कार्य तो हमें करना ही है। और क्योंकि एग्जाम हमारा लगा हुआ है, तो एज अ स्टूडेंट आपका ये प्रायोरिटी है, आपका ये प्राइम फंक्शन है कि आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। और क्योंकि अब हमारा जो टारगेट है आने वाला, वो आपका स्टेट पीसीएस का और यूपीएससी प्रीलिम्स का है, तो ये जो सेशन है हम लोगों ने इसी बात को लेकर के डिसाइड किया, और इसी बात पर हम लोग ये काम भी कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी, आपके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाएं जिससे कि आपको 100% हम ये गारंटी दे सकें भूमि आईएएस की तरफ से कि आपका प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो। क्योंकि अल्टीमेटली यही हमारा गोल है, यही हमारा उद्देश्य है कि आपका प्रीलिम्स निकलना चाहिए। जब प्रीलिम्स निकलता है, तब आप सेकेंड स्टेप की तरफ जाते हैं कि नाउ यू हैव अ चांस टू राइट योर मेंस एग्जामिनेशन। जब प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा, तो फिर आप मेंस कैसे लिख पाएंगे। और अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है, तो एक आपको एक मोटिवेशन, आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है कि हाँ, मेरा प्रीलिम्स निकला है, अब मुझे मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, मेंस के लिए जाना है। तो उसी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को टारगेट रखते हुए हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी डिसाइड की है, जिसके तहत हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका एक रिवीजन होता रहेगा और आपका एग्जाम जो है वो कहीं ना कहीं आपको ईजी हो जाएगा, और आपको एक हेल्पफुल सेशन देने का हमारा जो टारगेट है उसको लेकर के हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं फेस टू फेस। अब अगर आप देखें कि जो पीसीएस का एग्जामिनेशन है, और अगर आप पेपर्स को मिलाएंगे, अगर आप देखेंगे, तो कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से पॉलिटी में क्वेश्चंस श्योर शॉट है कि आता ही आता है, आपको क्वेश्चन वहां से मिलेगा ही मिलेगा, 110% गारंटी है कि क्वेश्चंस आपके वहां से रहते ही रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है आपके क्वेश्चंस का, दैट इज योर प्रियम्बल। तो अगर प्रियम्बल की आप बात करेंगे, प्रस्तावना की आप बात करें, तो प्रियम्बल एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखिए, वहां से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। लास्ट टू लास्ट ईयर आप जाएंगे, यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रियम्बल। सो प्रियम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं पीसीएस के एग्जामिनेशन में, वो स्ट्रेट अवे एकदम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो जो स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आते हैं, उसको अगर हम थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लें सिंसियरिटी के साथ, सीरियसनेस दिखाते हुए, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो पहला टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट वुड बी प्रियम्बल। इसके बाद आप देखें तो सेकेंड टॉपिक जो आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया है, जहां से फिर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट,
नेक्स्ट आप टॉपिक देखेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज का रहता है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल से बनते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज को बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत होती है कि आप वहां से क्वेश्चंस जो है वो इजिली सॉल्व करेंगे और आपके क्वेश्चंस वहां से इजिली करेक्ट भी हो जाएंगे। आफ्टर डिस्कसिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, जो नेक्स्ट हमारा एरिया रहेगा दैट वुड बी दी यूनियन एग्जीक्यूटिव। और संघीय कार्यपालिका में यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और प्रेसिडेंट का जो एरिया है वो है भी बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, थोड़ा लेंथी एरिया है, तो वहां से काफी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बन जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रेसिडेंट हो गया, फिर प्रेसिडेंट के बाद आप पार्लियामेंट डिस्कस करते हैं, संसद से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब पार्लियामेंट में क्वेश्चन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा से भी बनते हैं। पार्लियामेंट में क्वेश्चन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, संसदीय समितियां होती हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। कमिटीज़ का क्या काम होता है, उस कमिटीज़ में कितने मेंबर्स होते हैं, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। प्लस पार्लियामेंट के कुछ टर्म्स होते हैं, पार्लियामेंट्री टर्म्स होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं पार्लियामेंट के एरिए से। प्लस पार्लियामेंट्री टर्म्स के बाद आपका पार्लियामेंट से रिलेटेड, जब आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो पार्लियामेंट ने अगर रिसेंट वे में या रिसेंट डेज में कोई लॉज पास किए हैं, कोई एक्ट्स बनाए हैं, अगर कोई कानून बनाया है तो उस एक्ट से, उस लॉ के थ्रू क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जब आप इतने एरियाज को कवर अप करते हैं तब आप एक सिंगल टॉपिक जो पार्लियामेंट का है वो आप कवर अप करते हैं। जनरली होता क्या है, हम लोग जब पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो जनरली आई हैव सीन दैट दी स्टूडेंट्स आर इन हैबिट जस्ट टू रिवाइज और जस्ट टू मगअप और जस्ट टू लुक इन टू लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। तो केवल लोकसभा और राज्यसभा को प्रिपेयर कर लेना इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ पार्लियामेंट इन होल टर्म। जब आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, कमिटीज हो गई, कुछ पार्लियामेंट्री टर्म्स हैं, उसके बाद पार्लियामेंट के कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, एक्ट्स वगैरह हैं, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें कवर अप करना होता है। फिर पार्लियामेंट के बाद, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बाद फिर आप मूव करेंगे तो हम लोगों का जो टॉपिक होगा दैट इज़ योर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये जो एरिया है प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं बनता, बहुत शॉर्ट सा टॉपिक होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होता है, प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आर्टिकल क्या होता है, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया गया, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोग जब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये आपस में कोरिलेट हो जाता है। तो मेनली जब आप यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे तो वहां पर मेन फोकस जो होता है वो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट पे रहता है। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एरिया रहता है इसको आपको सिर्फ एक बार सुपरफिशियली देखते हुए निकल जाना, यू डोंट हैव टू लुक इन टू डिटेल ऑफ दिस टॉपिक। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाद फिर टॉपिक आया आपका जैसे अटॉर्नी जनरल, फॉर एग्जांपल आपका कैग, सीएजी, सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, ये सब आप देखेंगे। तो आप लास्ट ईयर के पेपर्स अगर आप देखें तो आप पाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल कैग का आर्टिकल पूछ देंगे, कैग का क्या फंक्शन होता है पूछ देते हैं, दो तीन पॉइंट्स आपको दे देंगे लिख करके कि कैग से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वन और द रॉन्ग वन। तो उस तरीके से क्वेश्चंस आपके पीसेस के एग्जामिनेशन में बनते हैं। फिर इसी के बाद जब यूनियन एग्जीक्यूटिव डिस्कस होता है तो उसके बाद हम लोग फिर स्टेट की तरफ मूव करते हैं। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में आप गवर्नर डिस्कस करेंगे, गवर्नर हो गया, विधानसभा है, विधान परिषद है। अब जैसे रिसेंटली अगर आप देखेंगे
तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने विधान परिषद के डेवलपमेंट या विधान परिषद को एस्टैब्लिश करने के लिए एक बिल पास किया है बंगाल सरकार ने, क्योंकि वेस्ट बंगाल में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो रिसेंटली अभी वहां से एक बिल पास हुआ है कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट चाहती है कि वेस्ट बंगाल में भी विधान परिषद का डेवलपमेंट या एस्टैब्लिशमेंट किया जाए। तो विधान परिषद अपने आप न्यूज में, तो विधान परिषद का आर्टिकल क्या है, विधान परिषद कैसे सेटअप होता है, कैसे उसको डिसॉल्व एबॉलिश किया जा सकता है, क्या उसके प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अभी आप देखेंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री अपॉइंट हुए पुष्कर धामी साहब, तो क्यों उनको अपॉइंट किया गया, जो आपके चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के, उनसे क्यों रिजाइन लिया गया, क्या इशू आया ममता बनर्जी के ऊपर उस समय, मुख्यमंत्री का जो पद होता है उसके साथ क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है सीएम के पोस्ट का विधानसभा या विधान परिषद से, तो इस तरीके से कोरिलेट करते हुए जब आप चीज़ों को चलते हैं तो आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को अपने आप अटेम्प्ट कर ले जाते हैं। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के बाद फिर आपका जुडिशरी है, न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका में फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है हमारा, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी आप देखेंगे एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और फिर उसके बाद एक टॉपिक और, दैट इज पंचायती राज। उत्तर प्रदेश में अभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस भी हुए, तो अब की बात तो डेड श्योर है कि आपसे पंचायत व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है हमारे देश में संविधान के तहत, उसमें क्या प्रोविजंस हैं, नाउ यू हैव टू रीड पंचायती सिस्टम वेरी केयरफुली फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो जहां तक मेरा गेस वर्क है कि इस बार पंचायती सिस्टम से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो नियर अबाउट ये जो टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पर, नियर अबाउट 10 टॉपिक्स हैं अगर हम इसको कंबाइंड वे में देखें, तो इन 10 टॉपिकों को अगर आपने सीरियसली पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग 90% आपको क्वेश्चंस जो हैं पॉलिटी के, जो 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, वो इन्हीं टॉपिक से आपको मिल जाएंगे। लेकिन फॉर दैट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, उसमें हम आपको सही रास्ता, सही गाइडेंस दे देंगे, तो वो चीज़ें आपको ईजी हो जाती हैं। आज हम लोग जो हमने आपको बताया कि हमारा जो पहला टॉपिक होगा जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रियम्बल, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना को आज हम लोग जो है देखते हैं कि प्रियम्बल से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस बने हैं, और प्रियम्बल में पढ़ा क्या जाता है, और प्रियम्बल में आते क्वेश्चन कैसे हैं, और लोग प्रियम्बल को पढ़ते कैसे हैं, जनरली स्टूडेंट्स प्रियम्बल को कैसे पढ़ते हैं, प्रियम्बल से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसमें मैचअप नहीं हो पाता। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, और यू कैन से दैट देयर इज अ ह्यूज गैप, कि जनरली स्टूडेंट प्रियम्बल कैसे पढ़ता है और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो अगर आप प्रियम्बल का टॉपिक देखें आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रियम्बल से लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए आप देखेंगे, तो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो जब भी आप प्रियम्बल पढ़ें तो आप दोनों क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए पढ़ें, दैट आइदर यू कैन गेट any factual question on your preamble topic, or you may get any conceptual question. जैसे for example, preamble में कुछ keywords होते हैं, प्रस्तावना को जब आप पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में आपको कुछ keywords मिलते हैं। जैसे keyword for example, preamble में एक term आएगा sovereignty, preamble में एक term आएगा secularism, secular, preamble में एक term आता है socialism, समाजवाद, प्रियम्बल में एक टर्म आता है डेमोक्रेसी, प्रियम्बल में एक टर्म आता है रिपब्लिक, प्रियम्बल में एक टर्म आता है इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। आप पेपर देखिए लास्ट ईयर के, तो आप पाएंगे इन कीवर्ड्स की मीनिंग आती है एग्जाम में, इन्हीं कीवर्ड्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स रहेंगे एग्जाम में, उन स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो जब आप प्रियम्बल पढ़ रहे हैं तो आप प्रियम्बल रटिए मत, आप प्रियम्बल को समझिए, उसको उसकी फीलिंग को समझिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए।
तो प्रियम्बल का जब आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो इन कीवर्ड्स की फीलिंग को आप समझते हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दीज वर्ड्स, क्योंकि इन वर्ड्स का कॉन्सेप्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोवर्निटी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेकुलरिज्म. दे देंगे क्वेश्चन आपको, देंगे दैट इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. नाउ फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस. अब इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, और इस कथन से संबंधित कौन सा कथन सही है या गलत है वो आपको पहचानना पड़ेगा. कभी कभी दो कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा इन्हीं वर्ड्स से रिलेटेड. इन वर्ड्स की सीक्वेंसिंग आती है, इन वर्ड्स को सीक्वेंस में रखने को आएगा. तो आपको सीक्वेंसिंग ध्यान में रखना है, इन वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी लिबर्टी क्या है. अब लास्ट ईयर स्टेट एग्जाम में अगर आप देखें तो पूछा गया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्वालिटी इज देयर इन इंडियन प्रियम्बल, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है. तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता आपसे पूछ देंगे, प्रस्तावना में कितने प्रकार की जो है आपसे वहाँ पर टर्म्स दिए हुए हैं. और तो जब भी आप प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी इज देयर इन प्रियम्बल, तो आप जब लिबर्टी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कई टाइप्स की लिबर्टीज हैं, कई प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में. तो जब आप प्रियम्बल पढ़ रहे हैं तो आप इन वर्ड्स को समझने की कोशिश करिए, इनको रटिए नहीं, इनको समझने की कोशिश करिए. इन्हीं सारे वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, इन्हीं सारे वर्ड्स पर हमारा सेशन होगा कि इनके क्या मीनिंग होती है, इनसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देंगे, जैसे सोशलिज्म है तो समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर होता है पूछ देंगे. इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है तो इसका क्या मतलब होता है कि सोशलिज्म हमने क्यों अडॉप्ट किया, सोशलिज्म में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, सेकुलरिज्म में क्या क्या कैरेक्टर होता है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या है, नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या होता है, है ना. फिर प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रिलेशन है. जैसे एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन हो एग्जाम में कई बार पूछा गया कि प्रस्तावना से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स आए हैं प्रियम्बल के ऊपर, तो उन सारे केसेस को हमें देखना होता है क्या क्या केसेस था, बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा. तो आप केशवानंद भारती केस देखेंगे, जब आप केशवानंद भारती केस देखेंगे तो बेरुबारी केस आ जाएगा, गोलकनाथ केस आ जाएगा. तो बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, केशवानंद भारती केस में क्या कहा, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चन आते हैं, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स रिगार्डिंग केशवानंद भारती केस इन कॉन्टेक्स्ट टू प्रियम्बल. तब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपसे चार पांच स्टेटमेंट आएंगे, फिर कोडिंग में आपसे क्वेश्चन होगा. तो अगर आप रटेंगे, अगर आप समझेंगे नहीं, तो इट विल नॉट बी एन ईजी टास्क टू क्वालिफाई प्रीलिम्स. नाउ इट विल बिकम अ बर्डन फॉर यू. तो आप जब भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको उसको चीजों को रटना नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम जनरली पढ़ तो लेते हैं बहुत सारी चीजें, जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स 90% ऑफ स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते हैं, और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पढ़ना नहीं है. यहां पर आपको चीजों को समझना है कि ऐसा क्यों है, वाई. तो अंडरस्टैंडिंग, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग की हैबिट है, यू हैव टू डेवलप द हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम लोग जनरली कहते हैं एनालिटिकल पावर, एनालिसिस करने की शक्ति. तो जब आप चीज पढ़ रहे हैं तो आप उन चीजों को उस तरीके से आप कोरिलेट करिए. आप देखिए लास्ट ईयर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए, उन्हें हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे. फिर प्रियम्बल एक बार क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रियम्बल में फिल इन द ब्लैंक्स से भी क्वेश्चन आ गया. जैसे प्रियम्बल लिख दिया पूरा और उसमें एक ब्लैंक दे दिया, नाउ यू हैव टू फिल दैट ब्लैंक. तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन से वर्ड के बाद कौन सा शब्द आया है. तो ये वो की एरियाज हैं जहां से एग्जाम में आपके प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जिसको हम आगे सेशंस में आपके साथ प्रियम्बल पर पूरा डिस्कशन भी करेंगे.
और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, जो है जो लिंक रहेगा उस पर आपको पीडीएफ फॉर्म पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको ले भी सकते हैं। ऐसे ही हमने ये डिज़ाइन किया है इस बार का सेशन कि हम लोग जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे साथ क्वेश्चंस भी होंगे, जिससे कि आपके क्वेश्चंस को हम रिवाइज कराते चलें और क्वेश्चंस के रिवीजन से आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखते रहेंगे तो यू विल बी इन अ हैबिट और यू विल बी इन अ मूड टू जज कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और आप एक अटेम्प्ट कर पाएंगे, आप एक एज्यूम कर पाएंगे दैट व्हाट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन यू मे गेट इन योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो इसलिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे मेंस वगैरह में जाना चाहते हैं। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है निकालना, वो एक स्ट्रैटेजी पर बेस्ड होता है कि हमको कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन कर पढ़ना है, कैसे कैसे टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो दोनों को हम मिला करके जब चलते हैं तब वहाँ से हम चीज़ों को पाते हैं। तो इस तरीके से हमने इस बार की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, एंड आई एम श्योर कि भूमि आईएएस जो है वो आपको इस तरीके से गाइड करेगा कि आपका प्रीलिम्स जो है वो अब की बार रुकेगा नहीं, आपका प्रीलिम्स जो है जो भी बच्चे इस बार देने जा रहे हैं एग्जाम उनका 110% है कि प्री जो है वो क्वालिफाई होगा ही होगा। कंडीशन अप्लाइड है अगर आप हमारे साथ मेहनत करने को तैयार हैं तो ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस, जरा अगर हम लोग देखें कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं या पूछे गए हैं। मैंने आपको कुछ आइडिया भी दिया, कुछ क्वेश्चंस लास्ट ईयर के आए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज नॉट बीन रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है, कौन सा शब्द भारतीय प्रस्तावना में नहीं है। तो या तो हमको यह पता हो कि कौन सा शब्द नहीं है, और या तो हमको यह पता हो कौन कौन से शब्द हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं अगर हमको यह पता है तो हम बड़े इजीली ऑड वन आउट कर देंगे कि हाँ ये शब्द जो है वो हमारे प्रीएम्बल में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक इंडियन, सो सिंपल क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है ये, और ये आपके एग्जाम का है। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन सा वर्ड जो है वो प्रीएम्बल में नहीं है या कौन सा शब्द प्रीएम्बल में नहीं है, तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सोवरेन, संप्रभुता, संप्रभुता प्रीएम्बल में है। फिर उसके बाद है सोशलिस्ट, समाजवादी, ये भी प्रीएम्बल में है, सेकुलर, ये भी प्रीएम्बल में, डेमोक्रेटिक, ये भी प्रीएम्बल में, इंडियन, इंडियन शब्द जो है वो प्रीएम्बल में नहीं है। सो सिंपल क्वेश्चन। तो हमको ये पता है कि हाँ ये वर्ड है तो हम बहुत इजीली निकाल लेंगे कि हाँ ये शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज November 26, 1949। भारतीय संविधान के लागू होने की जो तिथि है वो 26 नवंबर 1949 है। दूसरा, द सेकुलर वर्ड वॉज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सेकुलर शब्द जो है, पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो संविधान में या प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज डन इन 1976, 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। और डी ऑप्शन है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समाजवादी आर्थिक व राजनैतिक न्याय रूसी क्रांति से भारतीय संविधान में लिया गया। तो जब आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को या भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं और उसको आप लिंकअप कर ले जा रहे हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से या रशियन रिवॉल्यूशन से या रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए, नो इट्स योर ड्यूटी दैट यू शुड नो कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस
हैज बीन टेकन फ्रॉम रशियन रिवोल्यूशन और नॉट। तो मैंने वही आपसे बात कही कि सिविल सर्विसेज, चाहे वो यूपीएससी का है चाहे वो स्टेट का है, इफ योर एम इज टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, स्टडीइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग और डेवलपिंग द हैबिट ऑफ क्रिएटिंग कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट दैन जस्ट स्टडिंग। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने के साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग की हैबिट भी जनरेट करनी पड़ेगी, एंड यू शुड डेवलप द हैबिट ऑफ इंटरलिंकिंग ईच एंड एवरीथिंग। हमने सिर्फ प्रियम्बल पढ़ा, रट लिया, याद कर लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। इसका क्या रिलेशन है, इसका क्या लिंकअप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जनरली कैंडिडेट यही गलती कर जाते हैं, इसीलिए आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं एग्जाम में। इसीलिए आप देखिए मैक्सिमम कैंडिडेट्स प्री से ही बाहर हो जाते हैं, प्रिलिम नहीं निकल पाता। तो अगर आपका एम है कि हमको प्रिलिम्स निकालना है जल्द से जल्द, इस बार हमने टारगेट रखा है कि हमको इस बार का प्रिलिम्स निकालना है, तो आपको पढ़ने के साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग की हैबिट जनरेट करनी ही पड़ेगी, इंटरलिंकिंग की हैबिट आपको जनरेट करनी ही पड़ेगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखें कि द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज 26 नवंबर 1949, तो ये ऑप्शन गलत है। डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान 1949 में लागू नहीं हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और यहां पर इंप्लीमेंटेशन वर्ड है, जब इंप्लीमेंटेशन शब्द, जब इंप्लीमेंटेशन की बात होगी, द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट इंप्लीमेंटेशन। और इंप्लीमेंटेशन वर्ड को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आई एम डेड श्योर कि ये क्वेश्चन आप गलत करके ही आएंगे, क्योंकि 1949 ईयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, बिकॉज इन दिस ईयर वी एडॉप्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949। लेकिन जब बात होती है कि संविधान लागू कब हुआ, द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन, देन दैट इज 26 जनवरी 1950, तो ये स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट है द सेकुलर वर्ड वॉज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। भारत में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये पंथ निरपेक्ष शब्द बाद में जुड़ा था, इट वॉज नॉट देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ये पंथ निरपेक्ष शब्द हमने जोड़ा 42वें संशोधन द्वारा, और 42वां संशोधन 42nd अमेंडमेंट वॉज डन इन द ईयर 1976, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैव बीन टेकन फ्रॉम रशियन रिवोल्यूशन, इट इज ऑल्सो ट्रू। समाजवादी, आर्थिक और राजनैतिक न्याय हमने रूसी क्रांति से भारतीय संविधान में लिया, ये भी सही है। तो पहला विकल्प इसमें गलत है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंप्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। तो आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है but it is very conceptual in nature. For example, which statement is not correct in the case of sovereign India? Samprabhu Bharat ke vishay mein kaun sa kathan sahi nahi hai? India is not dependent on any country. Bharat kisi dusre desh ke upar nirbhar nahi hai. It is not a colony of any other country. Bharat kisi dusre desh ka upnivesh nahi hai. इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री। भारत अपना कोई भूभाग किसी दूसरे देश को दे सकता है। इंडिया इज ऑब्लाइज्ड टू ओबे द यूएन इन इट्स इंटरनल अफेयर्स। भारत संयुक्त राष्ट्र, जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके दिशा निर्देशों को मानने के लिए बाध्य है आंतरिक मुद्दों के ऊपर। तो देखिए सोवरेन इंडिया से रिलेटेड है क्वेश्चन ये। अब आपने अगर प्रियम्बल प्रिपेयर किया और आपने सिर्फ इतना पढ़ा कि दैट इंडिया इज अ सोवरेन नेशन,
और आपने सोवरनिटी के विषय में पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट अपना नहीं रखा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और ये डेड श्योर है, मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है या जिस किसी का भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो उसका सिलेक्शन अगर हो रहा है तो भगवान भरोसे ही हो रहा है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि सोवरनिटी या सोवरेन इंडिया का मतलब क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें या हम सोवरनिटी को समझें, अगर संप्रभु का मतलब यही होता है, एक स्वतंत्र मुल्क, एक आज़ाद मुल्क। अब अगर हम इस चीज़ को अपने स्टेटमेंट्स पे अप्लाई कर दें तो हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। लेकिन अगर हमने सीरियसली स्टडी नहीं की है, हमने चीज़ों को समझा नहीं है, वी हैव फेल्ड समवेयर इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ टास्क टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, ये सही है, फैक्ट है। सोवरेन कंट्री का मतलब यही होता है कि एक मुल्क किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं होता। इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, ये सही है। इंडिया इज नॉट अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री, ये भी सही है। भारत किसी दूसरे देश का उपनिवेश नहीं है, हम थे, 1947 में हमको आज़ादी मिल गई, एंड आफ्टर 1947 टिल डेट वी हैव नॉट बीन अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री, तो ये भी फैक्ट है। सी ऑप्शन कह रहे हैं, इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री। अब यही स्टेटमेंट यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि भारत अपना कोई भूभाग किसी अन्य देश को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। बेरुबारी केस इसी से रिलेटेड है, बेरुबारी वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो इंडिया कैन गिव इट्स पार्ट टू एनी अदर कंट्री, ये भी फैक्ट है। सोवरेन कंट्री में हमको ये पावर मिलती है। डी ऑप्शन कह रहे हैं, इंडिया इज ऑब्लाइज टू ओबे द यूएन इन इट्स इंटरनल अफेयर, दिस इज रॉन्ग। इंटरनल मैटर्स में इंडिया इज फ्री, हम किसी भी तीसरे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर्स को मानने के लिए हम बाध्य नहीं है। इंडिया इज नॉट बाउंड टू फॉलो और टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ एनी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन और एनी आउटसाइड कंट्री। सो द राइट आंसर इज डी वन, दैट इंडिया इज ऑब्लाइज टू ओबे द यूएन इन इट्स इंटरनल अफेयर, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इस तरीके से आप देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे पूछा गया के एम मुंशी वॉज रिलेटेड टू, के एम मुंशी संबंधित थे। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमिटी, प्रियम्बल कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी, नन ऑफ द फॉलोइंग। तो के एम मुंशी साहब का नाम आप तब पढ़ते हैं, आप तब ध्यान में लाते हैं इसको, जब हम लोग संवैधानिक सभा पढ़ रहे होते हैं। संवैधानिक सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब उसके अध्यक्ष थे, 7 मेंबर्स थे। आउट ऑफ दो 7 मेंबर्स के एम मुंशी वॉज वन ऑफ देम। तो के एम मुंशी साहब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, प्रियम्बल कमेटी के नहीं, पब्लिक अकाउंट कमेटी के नहीं। प्रियम्बल कमेटी जैसी कोई कमेटी ही नहीं थी। पब्लिक अकाउंट कमेटी तो संविधान के लागू होने के बाद से बनना शुरू हुई, आज बनती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पार्लियामेंट की एक कमेटी है, लोक लेखा समिति। सो द राइट ऑप्शन इज ड्राफ्टिंग कमेटी। बस एग्जामिनर ने, आयोग ने आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी लिख दिया। और अगर आपको पता है कि ये ऑप्शन जो है वो सिर्फ हमें कंफ्यूजन में डालने के लिए रखा गया है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। सो द राइट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच ईयर इज रिलेटेड टू बेरुबारी केस। मैंने अभी बोला कई बार आपने सुना बेरुबारी केस, तो विच ईयर इज रिलेटेड टू बेरुबारी केस, 1972, 1976, 1970, 1960। तो बेरुबारी केस चला था, हम लोग जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो बेरुबारी केस आएगा उसमें, 1960 में, 1960s में बेरुबारी केस शुरू हुआ था। सो द राइट आंसर इज डी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, जिसको हम लोग जनरली धर्म निरपेक्ष भी कभी कभी कह देते हैं, उसका सही अर्थ क्या है, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेकुलर। ऑप्शन है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की नजरों में सभी धर्म बराबर होंगे।
स्पेशल इंपॉर्टेंस टू रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों से संबंधित धर्म को अधिक महत्व दिया जाएगा। वन रिलीजन इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, एक धर्म सरकार के द्वारा उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। डी ऑप्शन इज नन ऑफ द फॉलोइंग। सो द राइट ऑप्शन इज सेक्युलरिज्म, मींस ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट। सेक्युलर का मतलब यही है कि सरकार की आंखों में या सरकार की नजरों में सभी धर्म बराबर होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज योर A1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या मतलब है, सोशल इक्वालिटी। तो आप जब इक्वालिटी को देखेंगे तो वहां पर आप जब आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म इक्वालिटी, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इक्वालिटी। तो इक्वालिटी में आप देखेंगे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। नाउ दैट स्टैंड्स फॉर सोशल इक्वालिटी। सो क्वेश्चन हियर इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ इक्वालिटी, equal opportunities for all section of the society, none of the above. Now when we are talking about social equality, there can never be lack of opportunities, there can never be lack of equality. Question cannot rise related to lack of opportunity or lack of equality as far as social equality is concerned. To jab hum samanta ki baat kar rahe hain to samanta aur अपॉर्चुनिटीज, अवसर के कमी की बात ही नहीं हो सकती। तो इक्वालिटी वाला सेक्शन जब आप देखेंगे प्रीएम्बल में तो साफ साफ लिखा हुआ है लैक ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब ही यही है कि हम अपने देश के नागरिकों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे। तो द राइट आंसर इज C1, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। So the right answer is C. Next question. Who among the following said that the preamble of Indian Constitution is the keynote of the Constitution? कुछ नाम दिए हुए हैं personalities के और कह रहे बताइए इसमें से किसने कहा कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का keynote है। Answer A है, option A है, Ernest Barker, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला। The right answer is Ernest Barker, A option. ठीक। Next question statement से related है। तो question पूछ रहे हैं which of the following statement is not true related to preamble? कौन सा कथन प्रस्तावना से संबंधित सही नहीं है? बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, सही है। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉल्स, गलत। देखिए प्रस्तावना से रिलेटेड जब आप देखते हैं तो आप पाएंगे दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल हैज बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जब हम उसकी लैंग्वेज की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं। तो यहां पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है, सॉरी जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो यही है दैट प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें गलत विकल्प निकालना है कौन सा इसमें से गलत है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। द लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जस्ट मैंने आपसे बताया भी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा हमने किस देश से ली, अमेरिकी संविधान, कनाडा के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान, आयरलैंड के संविधान। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुल टोटल 10 क्वेश्चंस जो हमने एक सैंपल फॉर्म में आपके साथ डिस्कस किए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे और हम आपके साथ उसको डिस्कस भी करेंगे आफ्टर दी क्लास, आफ्टर दी सेशन। जब हम प्रीएम्बल एक बार डिस्कस कर लेंगे तो हम आपके साथ क्वेश्चंस को फिर डिस्कस करेंगे। ये हम आपके साथ हमने डिस्कस किया जस्ट टू गिव यू द एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव यू द ओवरव्यू एन आइडिया
कि आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में, स्टेट पीसेस के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिए कि जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपको मेहनत तो करनी ही है, हार्डवर्क तो करनी है, बिना हार्डवर्क के सिलेक्शन तो नहीं होना। प्रीलिम्स को निकालना है हमें, तो प्रीलिम्स को निकालना है हमें, तो हमें बहुत सारी चीजों पे फोकस करना है। पढ़ाई तो करनी करनी है, स्टडी तो हमें करना ही करना है, रिवाइज तो सब सिलेबस को हमें करना ही करना है। मैंने बार बार आपसे कहा कि आपको चीजों को इंटरलिंक करना आना चाहिए, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी कि आप क्विकली सोच सकें। एग्जामिनेशन हॉल में विद इन अ टाइम लिमिट आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आपका माइंड जो है वो बहुत रैपिड वे में चलना चाहिए, क्विक चीजें वहां आपको रिकॉल होनी चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। जब आप क्वेश्चंस पढ़ें एग्जामिनेशन हॉल में तो आप प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि आयोग ने क्या कहा है आपसे फाइंड आउट करने के लिए। नॉट ट्रू कहा है कि ट्रू कहा है, आपको ट्रू स्टेटमेंट निकालना है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट निकालना है, नॉट करेक्ट निकालना है, करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। क्योंकि कभी कभी नहीं बल्कि मैक्सिमम टाइम यहीं से क्वेश्चन हमारे गलत होना शुरू होते हैं। हम लोग पढ़ते हैं तो जनरली हम लोगों ने जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ा और उसमें अब आयोग ने हमसे कहा है नॉट ट्रू, फाइंड आउट विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब हमने नॉट ट्रू तो पढ़ा लेकिन ध्यान नहीं दिया कि नॉट ट्रू निकालना है, अब हम क्या निकालने लग गए, ट्रू निकालने लग गए। ये बाद में पता चलता है अच्छा ट्रू निकालना था कि नॉट ट्रू निकालना था। तो ये कुछ स्टाइल है, कुछ आर्ट है जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो प्लीज बी फोकस्ड ऑन द क्वेश्चंस गिवन इन योर पेपर दैट यू हैव टू फाइंड आउट नॉट ट्रू और यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रू स्टेटमेंट। अब ट्रू निकालना है, हम नॉट ट्रू ढूंढ रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन नॉट ट्रू निकालना था, तो हमारे माइंड में वो नॉट ट्रू चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रू फाइंड आउट करना है, हमने नॉट ट्रू निकाल दिया, तो आते आते क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप इस तरीके से गलत कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप रेस से बाहर हो जाते हैं। आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, आपको प्रीलिम्स में मेरिट नहीं बनानी है। प्रीलिम्स के नंबर यूपीएससी में या स्टेट में जुड़ते नहीं है, यहाँ पर प्रीलिम्स इज जस्ट अ क्वालिफाइंग नेचर एग्जामिनेशन। यू हैव टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स जस्ट टू गेट द टिकट फॉर योर मेन्स एग्जामिनेशन, कि हम प्री अपना निकाल लें जिससे कि हमारा जो मेन्स एग्जामिनेशन का टिकट है वो हमें मिले और हम अपना मेन्स एग्जामिनेशन लिखें। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना है, रिवाइज करते रहना है कि हमारा जो प्रीलिम्स लगा हुआ है आने वाले दिनों में उसको हम जल्द से जल्द या उसको हम क्लियर कर सकें। तो फिर आगे के लिए हम अभी यहीं रोकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जो है हम आपसे टॉपिक वाइज डिस्कशन शुरू करेंगे। थैंक यू।